अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट है अगस्त 29 एंड यू आर वॉचिंग न्यूज़ पेपर्स प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन। आज की इम्पॉर्टेंट जो बात है वो दैट वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल स्पोर्ट्स डे। और ये कब मनाया जाता है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगस्त 29 को ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद सिंह। बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे ये हॉकी से, इनको कहा जाता था जादूगर, हॉकी का जादूगर भी इनको कहा जाता था। तो आज के डेट में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। मेजर ध्यानचंद जी के नेम पे एक अवार्ड भी दिया जाता है, दैट इज़ ध्यानचंद अवार्ड। और ये किस फील्ड में दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स अवार्ड है ये किसी भी स्पोर्ट्स में दिया जा सकता है, नॉट पर्टिकुलरली इन हॉकी। तो सबसे पहले ये किसको मिला था, सहराज बिराजदर जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड थे, उनको मिला था। एंड स्टार्ट कब हुआ था ये अवार्ड, 2002 में स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे स्पॉन्सर करती है। मेजर ध्यानचंद जी ने काफ़ी गोल्ड मेडल दिलाए हैं इंडिया को ओलंपिक्स में, और वो एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं हॉकी के फील्ड में भी। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, स्टेट कैन अप्लाई टू यूजीसी फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्ज़ाम डेडलाइन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है 2005 का, ये याद रखिए, बहुत न्यूज़ में है तो ये चीज़ अब तो खैर आपको याद हो गई होगी कि कब का एक्ट है, 2005 का एक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट को कहा है कि आप कोई अगर एग्ज़ाम हो रहा है आज की डेट में, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ना कि दूसरी चीज़, आप किसी को, जैसे कोई फाइनल ईयर में है तो आप उसको डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आपको यूजीसी से कंसर्न करना होगा, उनसे एक्सटेंशन लेना होगा एग्ज़ाम की डेडलाइन के लिए, बट आप डायरेक्ट विदाउट एनी एग्जामिनेशन आप जस्ट उनके इंटरनल मार्क्स देख के उन्हें प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो हम इस एक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, काफ़ी पहले भी हमने डिस्कस किया है, एक बार रिवाइज़ हो जाएगा। देखिए, जो ये एक्ट है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एक्ट है फॉर डिजास्टर मैटर्स जो भी इंडिया में हो, ठीक है। दूसरी चीज़, ये 2005 में ये आया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है, जिसे कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है जिसको चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसी एक्ट के अंदर एक कमेटी भी बनाई जाती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, NEC जिसे कहा जाता है। वो काम करती है, नेशनल अथॉरिटी होती है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको हेल्प करती है, उसको असिस्ट करती है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। सेम एक और अथॉरिटी स्टेट में भी बनाई जाती है जिसे कहा जाता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसको कौन चेयरपर्सन होता है, इसके चेयरपर्सन होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, दैट इज CM। एक और अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर। तो आप देखिए कि चार अथॉरिटीज़ इस एक्ट के अंदर बनती हैं, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये चार चीज़ें बनती हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, एक होम मिनिस्ट्री ने अभी एक रूल फ्रेम किया है, उनका ऑलरेडी एक फ्रेम था अंडर आर्टिकल 77 के अंदर, तो बस उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा इम्प्लीमेंट किया है। क्या चीज़ है, बात ये हो रही है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाइड किया है कि जो JNK में अभी जो रिसेंट चेंज हुआ था, आप लोगों को याद होगा, वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिंह अपॉइंट हो चुके हैं अब जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहाँ पे आर्टिकल 77 के तहत कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो एक आर्टिकल 77 के अंदर मेंशन है, उसके तहत जो पावर्स हैं, कौन सी पावर्स, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड सेंट्रल कैडर की जो पावर्स हैं, इनमें जो चेंजेस करने की पावर है वो सारी आ जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। तो ये चीज़ हमें देखनी है। आर्टिकल 77 आप याद रखिए क्या चीज़ इसमें मेंशन है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है आर्टिकल 77 के अंदर। इट मीन्स इसमें ये लिखा है थर्ड क्लॉज में कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है रूल्स बनाने की गवर्नमेंट के बिजनेस के लिए, और मिनिस्टर्स को एलोकेट करने की। अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है तो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, वो थोड़ी देर के लिए आएगी। तो ये चीज़ है आर्टिकल 77 के क्लॉज 3 के अंदर। तो इसी क्लॉज के तहत जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उन्होंने ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल के अंदर फ्रेम किया है और इसमें ये कहा है कि जो पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड सेंट्रल कैडर होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर ही उसको कंट्रोल करेंगे। वो एग्जीक्यूशन जो फंक्शन होगा वो पूरा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर होगा। दूसरी चीज़ ये कही गई है कि जो नॉन ऑल इंडिया सर्विस होंगी मीन्स जैसे पुलिस पब्लिक ऑर्डर और ऑल इंडिया सर्विस एंटी करप्शन ये सारी चीज़ें तो आएंगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के एग्जीक्यूशन के अंदर, बट जो कुछ और सर्विस बच गई जैसे कि नॉन सेंट्रल सर्विस जहाँ पे कि सेंट्रल इंक्लूड नहीं है वो सारी जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर आएंगी, वो आएंगी सीएम के अंदर यानी चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आएंगी। वो इनको कंट्रोल करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो वो कौन कौन सी हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड और मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की वहाँ पे स्टेट में यूनियन टेरिटरी में जिसको सेल करना है लीज पे देना है, ये सारी चीज़ें, लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट करना, डिपार्टमेंट को अगर रिकॉन्स्टिट्यूट करना है तो वो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आएंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। तो बस आप ये ध्यान रख लीजिए कि आर्टिकल 77 में क्या मेंशन है और ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो वो भी आर्टिकल 77 के अंदर आता है। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ एक ये न्यूज़ आई थी, MP to be asked to take COVID-19 test 3 days for before session। कौन से सेशन की बात हो रही है, मानसून सेशन की। तो सेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। ओके, ये मैंने मंथ लिखे हैं। बजट सेशन जनवरी से मई के बीच में, जुलाई से सितंबर में मानसून सेशन एंड विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर में। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सेशन बुला सकता है, बट जो सेशन बुलाने का जो गैप होता है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर एक सेशन जनवरी में बुलाया गया है तो अगला जून में होना चाहिए या फिर उससे पहले हो सकता है, बट 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिए। और एटलीस्ट एक साल में 2 बार एक सेशंस बुलाने जाने चाहिए। तो वही है, अगर 6 मंथ का गैप से कम नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता, तो साल में 2 बार तो होगा ही, वो सिंपल है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून एंड विंटर। पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। पार्लियामेंट राज्यसभा एंड लोकसभा से मिलके बनी है, उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो राज्यसभा और लोकसभा से मिलके बनी है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा दैट इज़ हाउस ऑफ पीपल कि 552 है और ये आर्टिकल 81 में मेंशन है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में मेंशन है एंड आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में मेंशन है। ठीक है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो 552 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में तो वो कैसे करके शिफ्ट किए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए 552 में से 530 जो है वो इलेक्टेड होते हैं। ओके, 530 इलेक्टेड होते हैं एंड 20 इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। जो 530 हैं वो स्टेट से इलेक्टेड होते हैं एंड 20 इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर्स होते हैं एंग्लो इंडियन जिन्हें कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 2 मेंबर्स होते हैं एंग्लो इंडियन। तो ये टोटल 552 मैक्सिमम कैपेसिटी है। राज्यसभा की मैक्सिमम कैपेसिटी 250 है जिसमें से 238 तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं एंड 12 अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के थ्रू। और ये राज्यसभा मेंशन है आर्टिकल 80 के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़, IT मिनिस्ट्री दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम का नेम है प्रोजेक्ट चुनौती। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट चुनौती ये किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए ये एक टाइप का स्टार्टअप चैलेंज है जिसमें कि स्टार्टअप को बूस्ट करने में गवर्नमेंट मदद करेगी और फोकस किया जाएगा Tier 2 के टाउन्स में। अब Tier 2 टाउन्स कौन से होते हैं, देखिए जैसे दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये Tier 1 के टाउन्स हैं, मतलब जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ये बड़ी जो सिटीज़ है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनको कहा जाता है टायर वन टाउन्स। टायर टू टाउन्स आते हैं जैसे लखनऊ और जैसे देहरादून, जैसे शिमला। इट मीन्स जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं बट उतनी नहीं है। आगरा, ये इस टाइप के जो टाउन्स हैं वो टायर टू कैटेगरीज में आते हैं। तो वहाँ पे के लिए फोकस किया जाएगा इस चुनौती प्रोजेक्ट के अंदर। स्टार्टअप, ये एक प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो ये है कि 300 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो वर्क कर रहे हैं और उनको 25 लाख तक की फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। साथ में और फैसिलिटीज़ दी जाएगी जैसे मेंटोरशिप दी जाएगी, पेटेंट किसी को रजिस्टर करना है वो दिया जाएगा, लीगल एडवाइजरी की ज़रूरत है वो दी जाएगी, इंडस्ट्री से कैसे जुड़ना है वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो जो ये स्टार्टअप है ये एरियाज़ जो वर्क में करेगा, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन एंड मेडिकल हेल्थ केयर, जॉब से रिलेटेड। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट चुनौती याद रखिएगा, स्टार्टअप से रिलेटेड है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट चुनौती और है, काफ़ी पुराना है, वो स्टार्टअप से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ और चीज़ है, वो दिव्यांग लोगों से संबंधित चीज़ है। बट प्रोजेक्ट चुनौती जो नया है इज़ रिगार्डिंग टू स्टार्टअप चैलेंज। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ छोटी सी दो न्यूज़ हैं। मलयालम की एक मूवी जिसका नाम है मध्य तिरुवितिकमकूर, सॉरी अगर मिस प्रोनाउंस किया हो, इस मूवी को चूज़ किया गया है मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के लिए। 42 एडिशन हो रहा है मॉस्को फिल्म फेस्टिवल का जो कि अक्टूबर में होगा, एंड इस मूवी को वहाँ पे चुना गया है कि ये वहाँ पे टेलीकास्ट की जाएगी। तो मलयालम मूवी 1956 की है। याद रखिएगा कि मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में इस साल 2020 में कौन सी मूवी गई, मलयालम मूवी गई है। एक नेम आप याद रख लीजिए, थोड़ा काफ़ी लंबा सा नेम है बट मलयालम से भी चीज़ें याद रह जाएंगी। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, जो डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने एक बुक लिखी है जो जल्द ही पब्लिश हो जाएगी सितंबर में, और बुक का नाम है द इंडिया वे। तो ये याद रखिएगा, बुक का नेम है द इंडिया वे, रिटन बाय डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट न्यूज़, नूर इनायत खान, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू गेट मेमोरियल प्लेक इन लंदन। तो इनको एक मेमोरियल प्लेक मिलेगा लंदन में। कौन थी, क्या थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है। बस ये ध्यान रखिए कि जिस समय ये इंडियन ओरिजिन की एक महिला थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे ब्रिटिशर्स के लिए स्पाई का काम किया था। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये स्पाई थी ब्रिटिशर्स के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो इनको लंदन में इनका एक मेमोरियल बनाया जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, ऐसा कुछ चेंजेस होता है तो क्वेश्चन बन जाता है। जापान के जो PM हैं शिंजो एबे, वो हेल्थ रीजंस की वजह से अब अपने पद को नहीं संभालेंगे, बट अभी रिज़ाइन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, रिज़ाइन उन्होंने दिया है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जब तक नए जो PM हैं वो अपॉइंट नहीं हो जाते तो इनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यूक्रेलेटिव कॉलिटिस की प्रॉब्लम इन्हें हो रही है, लिखा है यहाँ पे रिकरेंस ऑफ यूक्रेलेटिव कॉलिटिस। ये एक प्रॉब्लम होती है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से होती है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आती है बार बार डाइजेस्टिव जो ट्रैक है उसके अंदर। तो उस वजह से ये काफ़ी परेशान है और अब उन्होंने पद को छोड़ा है PM के। तो अब जैसे ही इलेक्शन नया होगा तो एक नया नाम हमारे सामने होगा जापान के PM का, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, लक्षद्वीप आइलैंड में केरला के बार्न आउल्स को रैट्स को मारने के लिए भेजा जा रहा है ज़्यादा मात्रा में। ये एक्चुअली क्या हुआ था कि लक्षद्वीप आइलैंड में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कोकोनट जो वहाँ पे कोकोनट का फसल है और अदर जो फसल्स हैं वहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जो रैट्स हैं वो बहुत परेशान कर रहे थे और वो सारी फसलें ख़राब कर रहे थे। तो वहाँ पे केरला से बार्न आउल्स को भेजा गया। बार्न आउल्स क्या करते हैं, तो बार्न आउल्स एक ऐसे एक एनिमल है जो कि स्पेशलाइज्ड है हंटिंग में। वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे छोटे रैट्स को खाते हैं, छोटे छोटे और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो ये उनकी स्पेशलाइजेशन है, तो उनको भेजा गया। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम दिखाया और वहाँ पे काफ़ी कंट्रोल्ड हो गई है चीज़ें। ऐसा कहा है लक्षद्वीप आइलैंड के जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, उनके रिपोर्ट में ऐसा आया है कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है इन ऑल्स की मदद से, और अब इनको एज ए गार्ड रखा जा रहा है कोकोनट प्लांटेशन में। तो ये भी प्लान किया जा रहा है कि अदर आइलैंड जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे भी इन आउल्स को डिपार्ट किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो ये जो ऑल है, ये सबसे आउल है, सबसे कॉमनली मिलते हैं। अब ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ज़्यादातर सब जगह है। मैंने आपको बता दिया कि ये स्पेशलाइज्ड हैं हंटिंग एंड हंट करने में, और ये लोकेट कैसे करते हैं, अपने साउंड के द्वारा। दिन में भी इन्हें देखा जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये सिर्फ कहाँ नहीं मिलते हैं, पोलर रीजर, डिजर्ट रीजर और एशिया, नॉर्थ हिमालयाज़, मोस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड सम पैसिफिक आइलैंड में ये नहीं मिलते हैं। बाकी ऑलमोस्ट ये हर कोने में मिलेंगे आपकी दुनिया के। और ये इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है रेड लिस्ट में IUCN की, वो भी लीस्ट कंजर्वेशन स्टेटस है। एक न्यूज़ है, लास्ट न्यूज़ आज की हमारे पास, सरफराज अर्निंग हिज विंग एज ए माउंटेनियर। कर्नल सरफराज सिंह ने अभी कुछ टाइम पहले माउंट एवरेस्ट पे फतह की थी विद हिज टीम, एंड उनको इस साल के तेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनी बनाया गया है। वो उनको मिल सकता है, चांसेस हैं। बट इसमें से जो हमारे पास न्यूज़ इंपॉर्टेंट आती है वो ये चार पीक्स की बात इसमें की गई है इन्होंने जिसको फतेह किया है। तो पीक्स की आई है, तो हम पीक्स को जान लेते हैं कि कहाँ पे है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये चीज़ छोड़ सकते हैं। हाईएस्ट पीक है चार कॉन्टिनेंट्स की जहाँ पे जो इन्होंने फतेह की है। देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ, एशिया की है कॉन्टिनेंट की, माउंट एकोनगुआ अर्जेंटीना अमेरिका की, माउंट एल्ब्रस रशिया यूरोप की, एंड माउंट किलीमंजारो तंजानिया अफ्रीका की। तो ये हाईएस्ट पीक है इन चार कॉन्टिनेंट्स की। आज की वीडियो में इतना ही था। आप हमारी वीडियोस की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपको कोई डिस्कशन हो, आपको कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। वी रीड एंड वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट। अगर आपके सजेशन अच्छे हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, और आपको हमारा ये डिस्कशन कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताइए। एंड अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से समझाने में और इनोवेटिव तरीके से आपको बताने में। और जो हम जैसे ये बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, जो ये PDF बनाते हैं, देखिए ये हम इस तरीके से बनाते हैं कि जब आप इन्हें डाउनलोड करें अपने पास एज ए PDF फॉर्म में रखें, तो आपको जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हों। हम सिर्फ इसमें सिर्फ वही नहीं बताते हैं कि क्या न्यूज़ में था, ये चीज़ें लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये छोटी छोटी नॉलेजेबल चीज़ें कलेक्ट हो गई तो बार बार हमको गूगल नहीं करना होगा, जस्ट ये PDF देखी एंड हमारे लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय